हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं एक फ्लावर पॉट टाइप एक डेकोरेशन मटेरियल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड, और अब हम इसको एक पॉट की शेप देंगे और उसमें काट लेंगे। एक्चुअली इसकी विड्थ है जो 9 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लेंथ है वो आई थिंक 12 सेंटीमीटर है। और हमने इसको एक पॉट की शेप दे दिया, अब हम इसको कट कर लेंगे। इसको ऐसे ऐसे कट करना है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ऊपर से भी कट कर लेंगे अबाउट 1 सेंटीमीटर, तो ये इसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर रह जाएगी। ये देखिए, हमने इसको एक पॉट की शेप दे दिया। अब हम इसको रेड वाटर कलर के साथ पेंट कर देंगे सारे को। अब हम एक स्ट्रिप लेंगे और इसको एक सिलाई के साथ इसकी एक पाइप बना लेंगे। ये देखिए, इसको हम ऐसे धीरे धीरे फोल्ड करेंगे और एक पेपर स्ट्रिप के साथ अब हम इसकी एक पाइप बना लेंगे। एक्चुअली हम ये ना एक वेस्ट पेपर से बना रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास ना 2-साइडेड प्रिंटेड पेपर था, जो कि अब मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसका यूज़ करके बना रही हूँ। आप न्यूज़ पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारी स्ट्रिप्स बना लेंगे। ये देखिए, आप किसी भी तरह के पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपना पॉट लिया जो फ्लावर, अब हम इसमें से 7 स्ट्रिप्स लेंगे, टोटल 7 स्ट्रिप्स। अब हम इसको इसकी शेप देंगे। एक हमें सबसे बड़ी स्ट्रिप लेंगे और उसको थोड़ा साइड से एक बार काट लेंगे इसको प्लेन करने के लिए, और थोड़ा सा और काट देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज रख सकते हैं। अब हम 2 स्ट्रिप्स और लेंगे और इससे थोड़ी सी छोटी काटेंगे। पहले तो हम पिछला हिस्सा काटेंगे बिकॉज हमें इसको प्लेन करना है, और अब हम आगे से इसको थोड़ी सी छोटी करेंगे। जो बड़ी वाली स्ट्रिप है उससे थोड़ी छोटी। ये देखिए, अब हम इसको थोड़े से छोटे साइज में काट लेंगे दोनों को। एक हमें सबसे बड़ी चाहिए और 2 उससे छोटी। फिर अब हम उससे 2 और छोटी काटेंगे। पहले तो इसकी बैक साइड काटेंगे इसको प्लेन करने के लिए, और फिर जो सेकंड स्ट्रिप्स ली है उससे भी थोड़ा सा इसको छोटा काटेंगे। ये देखिए, आप अपनी चॉइस के साथ इसका कोई भी साइज़ रख सकते हैं, मैंने तो इतना ही रखा है। अब हम इसको और काट देंगे, ये उससे भी छोटी हो गई। अब जो 2 पेंडिंग स्ट्रिप्स हैं वो इससे भी छोटी लेंगे। ये जो 2 स्ट्रिप्स काटी थी उसमें से जो पार्ट बच गया मैंने वो यूज़ कर लिया, पर अगर आपके पास नहीं बचता तो आप और स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ी छोटी छोटी छोटी, एक सबसे बड़ी और बाकी 2 में लेंगे। अब हम इसको ब्लैक कलर के साथ सारी को पेंट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको पेंट कर लिया और इसको सुखा भी लिया है। अब हम एक स्क्वायर शेप पेपर लेंगे, ये है 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब हम इसको फ्लावर की शेप देने के लिए इसको 2 साइड फोल्ड करेंगे। अब हम इसको पीछे की ओर फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमने दूसरी साइड भी ऐसे फोल्ड कर दी। अब हम एक पैन लेंगे और इसके ऊपर फ्लावर की शेप में मार्क कर देंगे। ये देखिए, रेड पैन के साथ मैं इसको फ्लावर की शेप दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको शेप दे दी है। अब हम इसको कट कर देंगे, इसी शेप में हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, धीरे धीरे कट कीजिएगा ताकि ये ख़राब ना हो जाए। ये देखिए, हमने इसको कट कर दिया। अब हम इसको ओपन कर देंगे। इसको ओपन करने के बाद हम एक ब्लैक पेन लेंगे और इसके ऊपर इसको ड्रॉ कर देंगे। ऐसे लाइंस लगानी है तो ये एक रियल फ्लावर की लुक देगा इसको, और ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा देखने में। ये देखिए, आप इसको, मैं इसको बाद में कट करूँगी, आप इसको बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहले लगाना इसको ईजी समझती हूँ। अब हम एक साइड इसकी कट कर देंगे। हमने इसकी एक साइड कट कर लिया। अब हम ग्लू लगाएंगे और दूसरी पत्ती को इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये बीच में एक होल सा बन जाता है, तो ये इसको रियल फ्लावर की लुक देता है। ऐसे ही हम और तैयार कर लेंगे। एक्चुअली हमें टोटल 7 फ्लावर्स चाहिए, और अब हम इसको पेन की मदद से एक एक फ्लावर की सभी पत्तियों के ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये फ्लावर देखने में बिल्कुल रियल जैसा लगता है। ये देखिए, इसको सारी को ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा। ऐसे हम बाकी सब भी कर लेंगे। अब हम अपना पॉट लेंगे और इसकी बैक साइड पे ये पाइप्स पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, हम ग्लू लगा लेंगे इसको इसके ऊपर,
7 पाइप्स हैं, तो एक बीच में और तीन तीन साइड्स में। ये देखिए सबसे बड़ी वाली बीच में और बाकी दो दो साइज़ के साथ साथ आगे आगे लगती जाएंगी। ये देखिए ये छोटी और ये उसके ही साइज़ की उसकी दूसरी साइड पे, और अब उससे छोटी दूसरी साइड पे भी वही साइज़ की, और लास्ट में जो दो बच गए वो सबसे छोटी। ये देखिए अब हमने सारी पाइप्स को पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको एक रियल पोर्ट के जैसे दिखने लगाएंगे। ये देखिए हम इसको प्रेस करके थोड़ी सी इसके बीच में स्पेस बना लेंगे, नीचे से प्रेस करके रखिएगा ताकि पाइप्स ना निकल जाएं। ये देखिए अब हम इसको एक तो इसके बीच में स्पेस बनती जा रही है और इसकी एक रियल लुक देगा इसको पॉट की। ये देखिए सारी पाइप्स को ऐसे ही हम प्रेस करेंगे और इसको रियल शेप दे देंगे। ध्यान से कीजिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए आप चाहे तो ये बड़ा भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया था। आप इसको वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर फ्लावर पेस्ट करेंगे। सारी पाइप्स की आगे टिप को प्रेस करेंगे और उसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और फ्लावर को पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अगर वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइब्स और लाइक्स होते हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर करने के लिए। ये देखिए अब हम इसी तरह से सारे फ्लावर्स को सारी पाइप्स के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा गैप बना के रखिएगा तभी ये दिखने में ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए जब आप फ्लावर लगाओगे तब इसको लुक मिल जाएगी। इसी तरह से हम धीरे धीरे करके सारे फ्लावर्स को पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हम जो ब्लैक पेन के साथ इसके ऊपर मार्क लगाए थे ये इसको एक रियल लुक दे रहा है ना फ्लावर की। फ्रेंड्स ये बनाना बहुत ही ईजी है और एक होममेड डेकोरेटिव प्रोडक्ट है। आप इसको अपने घर में लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।